हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक करते हैं अपने यूट्यूब चैनल JK02 वाले ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने नाइट ब्लॉग देखा था, मैं चला था सुबह बॉर्डर तक नया गाँव, तो वहां पे मैं सो गया था। तो अभी पहुंचे हैं, किशनगढ़ क्रॉस कर लिया और टाइम हो गया जी 12:30, 1 बजने वाले। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, किशनगढ़ भी पार कर दिया, मैं अभी उठा तो अभी ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ 12:30 बजे। अभी चलते हैं आगे, बताते हैं आपको, अभी भूख लगी ना तभी नींद खुल गई, तो अभी रुकेंगे यहाँ पे, वहाँ पे खाएंगे खाना वाना, फिर वहाँ से अब चलेंगे कंटिन्यू ही। तो काका भाई चला रहा है सुबह से 6 बजे से, तो बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई ये मेगा हाईवे है अपनी, देख रहे हो कैसे, मतलब यहाँ से तो ठीक ठाक रोड है, अभी आगे बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे ये खराब रोड है, बाकी मस्त। और काका भाई कर रहे हैं ड्राइव। हाँ भाई जी, क्या हाल है? ठीक है भाई जी, क्या कर रहे हो? तो भाई यहाँ से जलंधर का बोर्ड आ गया है 617 किलोमीटर, पठानकोट 739 किलोमीटर। तो ये आगे जा रहे हैं, व्यू देखिए गाइस, यहाँ का भी जबरदस्त व्यू आ रहा है इस टाइम, पूरा कैमरे में इतना कैप्चर हो रहा है अच्छे से। देखिए इस गाड़ी वाले ने रास्ता त्रिपाल क्या किया, जबरदस्त तरीके से रास्ता त्रिपाल किया। जा रहे हैं अभी भी इसको करेंगे, कर रहे हैं भाई डिडवाना कर दिया क्रॉस, तो खा लिया खाना, काका भाई कर रहे रेस्ट, अब मैं चल रहा हूँ। तो आप देखते हैं कब तक पहुंचेंगे, यहाँ से रह गया भाई 280 किलोमीटर रह गया है हनुमानगढ़, डिडवाना से आगे हैं तो लाडनू पहुंचने वाले हैं, यहाँ से रह गया 280 किलोमीटर हनुमानगढ़। चल रहे हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू जारी है। चल रहे हैं भाई, बज चुके हैं 4 शाम के, अभी भी हमारी गाड़ी चल रही है खींच के। तो अभी पहुंचने वाले हैं, क्या बोलते हैं इसको, रतनगढ़ से पीछे हैं अभी। तो देख रहे हो व्यू, देख रहे हो कितना जबरदस्त आ रहा है। पहुंच गए भाई रतनगढ़ से, थोड़ा पहले जो आता है ये रेलवे फाटक है, तो ये रेलवे फाटक अब जहाँ से आने वाली है ट्रेन, इसलिए ये बंद रखा हुआ है, अभी पता नहीं कितनी देर बंद रहेगा, तो तब तक हमें यहाँ रुकना पड़। आ रहे हैं गाइस और व्यू चेक करिए यहाँ पे, कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस, ये देख रहे हो कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है, ये देखो। बज चुके हैं शाम के 5 बज चुके हैं आई थिंक, तो ये देखो पीछे क्या से है, क्या व्यू है, वाह जबरदस्त, ये राजस्थान है। गाइस क्या व्यू है, मजा आता है इस रोड पे ऐसे गाड़ी चलाने में, ये इधर उधर, बस गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है, गर्मी में इधर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, राजस्थान का यही है, क्योंकि गर्मी में रेत होती है जो वो ज्यादा मतलब गर्म हो जाती है और सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है, रेत ठंडी भी ज्यादा होती है गर्म भी ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है। अभी देखो अभी शाम का टाइम है और कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे, चेक करो आप व्यू, ये देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और ये बजरी वाले टिप्पर ऐसे ही चलते बजरी पार के आए, यही चलते ज़्यादा राजस्थान में, यही बजरी वाले, मगर नहीं पास तो कर सकते थे हम इसको, मगर नहीं, इसका क्या भरोसा, ब्रेक लगे ना लगे, इसलिए अपनी जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं। भाई बठिंडा तो रह गया थोड़ा सा, काका भाई चला रहे हैं अब गाड़ी, तब रात को यही चलाएंगे। तो भाई ये देख रहे हो आगे, ये इससे पास ले रहे हैं, जान दे भाई लेट हो गया मंडी जान दे, जान दे भाई जान दे, रुक जा बाबू, ठहर जा ठहर जा ठहर जा,
तो गाइस चल रहे हैं, पहुंच गए हम क्या बोलते हैं इसको, फरीदकोट। तो काका भाई चल रहा है, अब मैं सोता हूं भाई। तो जवान मैं थक चुका हूं, तो मैं सोने जा रहा हूं। आप चलाइए गाड़ी, तो सुबह हमको उठा दीजिएगा क्या बोलते हैं अपने जम्मू से आगे उधमपुर शुधमपुर, ठीक है ना भाई? नहीं भाई, हाँ पठानकोट तो ये यार 2 कदम की दूरी पे है। सुबह देखते हैं गाइस, तो फिलहाल मैं सोता हूँ। पहुँच गए गाइस लखनपुर, तो यहाँ पे जूरिया डालेंगे गाड़ी में। जूरिया हो गया ख़त्म, अब यहाँ पे डालेंगे जूरिया। काका भाई खो रहा बाल्टी, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे अपना सफर कंटिन्यू। सुबह सुबह का टाइम है, अब मैं चलाऊंगा यहाँ से गाड़ी। लखनपुर पहुँचे, बन चुका है दूसरा फ्लाईओवर भी बन चुका है, ये यहाँ से मानसर को जाते हैं। ये फ्लाईओवर भी कंप्लीट है, और सिटी वाला वो आपने देख लिया वो भी कंप्लीट है। पहुँच गए भाई ठंडी खुई, इसको बोलते हैं यहाँ पे चक। तो अब पहुँच जाएंगे हम, सुबह सुबह के बाद चुके हैं 8:30, 8:30 हो चुके हैं, तो यहाँ पहुँचे हैं भाई। यहाँ से अब कितना ही रह गया, जम्मू थोड़ा सा रह गया। जा रहे हैं अपने जैंड के में मज़े लेते लेते। अब ये इस रोड का भी काम लगा हुआ है, इसको पूरा उखाड़ के रखा हुआ है इस रोड को। पहुँच गए भाई जम्मू, और ये आ गया सामने वे माल। तो भाई यहाँ पे बड़ी तोड़ फोड़ हुई है, जो जगह आ गई है जो गवर्नमेंट की जगह थी वो तोड़ फोड़ दी है भाई, सब कुछ तोड़ फोड़ हो गई है। शोरूम था वो भी उड़ा दिया यहाँ पे, सामने देख सकते हो आप, वो बिल्डिंग भी गिरा दी है, वो भी सरकार की जगह है। ये वे माल आपके सामने पहुंच गए भाई, ये नरवाल से ऊपर। ये देखिए जेसीबी लगी हुई है, ये घर तोड़ रहे कर दिया भाई नरवाल पार। तो ये चढ़ाई होगी स्टार्ट नरवाल से आगे, तो ये बाईपास है भाई, ये अभी ख़त्म हो जाएगा आगे सिद्रा से आगे थोड़ा। यहाँ पे ये चढ़ती नहीं है गाड़ी, बाबू मुझे साइड दे दे, क्या कर रहा है यार, पीछे से गाड़ी आ गई थी ना उसने परेशान किया था, जो वो आगे गई। पहुंच गए भाई नगरोटे बाईपास, तो ये पहुंच गए हम नगरोटे बाईपास। जा रहे हैं अपना सफर है कंटिन्यू जारी। तो भाई कहाँ जा रहा है बाइक वाले, ध्यान से जरा, ऊपर से गाड़ियां आ रही हैं, इसका मतलब आज यहाँ से कानवाई छोड़ेंगे। 9 बज चुके हैं यहाँ पे ही, पहुंचे हम बंतला। अब देखते हैं आगे कितना टाइम, ऊपर डालेंगे तेल भी पंप पे, तेल भी एंड होने वाला है, तेल डालना है पंप पे। अब बंतला क्रॉस, तो चल रहे हैं आगे। तो भाई जो ये आगे रोड है ना, ये आगे मोड़ आएगा एक, बस इसको देख के बहुत कुछ हो जाता, बाकी ध्यान से चलें यार, इस खास करके इस जगह से बहुत ही ध्यान से चलें, ठीक है? हमें पता है हमने क्या खोया है, इस जगह से बहुत ध्यान से चलना चाहिए। ये मोड़ बहुत खतरनाक है, वो सामने आप देख रहे हो, ये मोड़, ये पुल वाला मोड़ है, ये बहुत ही डेंजरस मोड़ है, ये बहुत खतरनाक है। ये सामने ये जगह कभी लाइफ में नहीं भूलेगी, बट ये मोड़ है ना, ये हमेशा याद रहेगी। ये बहुत खतरनाक मोड़ है, प्लीज़ ड्राइवर केयरफुली करो, जो खास करके ऊपर से गाड़ियाँ आएगी, क्योंकि उनकी स्पीड होती है, तो फिर थोड़ा ध्यान से ही चले जाते हैं हम। इसके भाई दमेल, तो यहाँ से जाता है अपने रियासी का रोड, ये देख रहे हो वो पीछे, अपनी रियासी से पीछे बर्फ पड़ी हुई है मोहर वाली साइड में। तो भाई अब पहुँच गए यहाँ पे कानवाई में,
तो करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड। तो मिलते हैं अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी थी भाई। बताते रहा करो कमेंट, अच्छा अच्छा किया करो, इससे बंदे को हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने का। तो बाय, लव यू।